हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंटेलिजेंट नॉलेज और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं फूड पांडा डिलीवरी बॉय के स्ट्राइक के बारे में। तो आखिरकार ये स्ट्राइक क्यों हुई, आखिरकार गलती इसमें किसकी है, फूड पांडा की गलती है या डिलीवरी बॉय की साइड से कुछ गलत हुआ है, इसी वीडियो में जानेंगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को। अभी हम बात करने वाले हैं डिलीवरी बॉय की सैलरी के बारे में। तो फूड पांडा इनको सैलरी कितनी ऑफर करती थी, तो सबसे पहले इन्होंने जब ज्वाइन करा तब इनको ऑफर कर रही थी 1320 पर डे और 960 रुपये हफ्ते का, राइट। तो इस हिसाब से पर डे के होते हैं 1457, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कम करके पर डे का करा 1080, उसके बाद वापस से कम करा और इन्होंने करा 850 रुपये पर डे। और उसके बाद तो उन्होंने और कम के अभी ये इनको ये कहना है कि जितने ये डिलीवरी करेंगे ऑर्डर पे, उस पर ऑर्डर उनको 30 रुपीज़ मिलेंगे। मतलब इनका डिलीवरी बॉय का ये कहना है कि ऑन एन एवरेज 10 से 12 ऑर्डर या 15 ऑर्डर मिलते हैं, और कभी कभार तो ऑर्डर ही नहीं होते। तो अगर एवरेज भी मान के चले तो वो 10 ऑर्डर भी लगाए तो उस हिसाब से उनको 300 रुपये मिलता है, राइट। या और अच्छा करें तो ये 400 450 तक भी जा सकते हैं। अभी बात करते हैं फूड पांडा के इनकम के बारे में। तो ये एक राइडर से कितना इनकम ले सकती है, तो ऑन एन एवरेज इनको अगर मान के चले तो 350 का एक ऑन एन एवरेज ऑर्डर मिलता है, राइट। और हिसाब से अगर ये कोई राइडर 10 ऑन एन एवरेज 10 ऑर्डर भी लगाता है तो उस हिसाब से बनते हैं 3500, और उसमें 20% फूड पांडा कमीशन लेती है। तो उस हिसाब से उनकी इनकम हो गई एक राइडर से ऑन एन एवरेज 700 रुपये। ये आंकड़े थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन ऑन एन एवरेज 700 रुपये बनती है। या हो सकता है ये हमने 10 ऑर्डर पे गिना है, इससे ज़्यादा ऑर्डर पे लगा है, तो 800 या 900 तक भी जा सकता है, ठीक है। दोस्तों हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशन करी वो ऑन एन एवरेज है। मतलब एक डिलीवरी बॉय है वो 10 ऑर्डर या 12 या 15 तक भी लगा सकता है, लेकिन कभी कभार किसी डिलीवरी बॉय के पास ऑर्डर ही नहीं होते, तो हमने एक एवरेज काउंट लिया है। तो दोस्तों आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कहाँ वो 1320 प्लस इंसेंटिव मतलब 1457, और कहाँ ये 800 और 900। अभी हमने एवरेज किस मान के चला है, अभी हमने कंपनी की कॉस्ट तो गिनी भी नहीं है कि उनके एम्प्लॉय के जो भी सैलरी है या फिर उनका बिल्डिंग का जो भी रेंट है या सर्वर मेंटेनेंस है, वो तो हमने अब तक जोड़ा भी नहीं है। सिर्फ अभी हमने इनकम ही जोड़ी है। उस हिसाब से भी देखें तो डिफरेंस हमें इतना नज़र आ रहा है, या फिर आप डिस्काउंट भी बोल सकते हो। डिस्काउंट भी अभी अब तक हमने इसमें जोड़ा नहीं है जो ये डिस्काउंट ऑफर करती है। तो जो भी फूड पांडा के डिलीवरी बॉय है, मैं उनके सामने सिर्फ ये कैलकुलेशन रखना चाहता था कि एक्चुअल में ये कैसे ये चीज़ें हो रही है, और फूड पांडा जो है जो आपको पहले इतनी कमीशन इतनी जो सैलरी दे रही थी 1320 या 1457 इंसेंटिव मिला के, और अभी आप देख रहे हो कि कैलकुलेशन कितना डिफरेंस है। तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, या कुछ डिलीवरी बॉयज़ का ये भी कहना है कि उनको जैसे 1320 प्लस इंसेंटिव में जो लिया था वैसे ही वापस ले, तो जो अभी आपके सामने कैलकुलेशन है जो पॉसिबल ही नहीं है फूड पांडा के लिए आपको उस उतनी सैलरी में देना। हो सकता है कि आपको अगर अभी भी दे दे, लेकिन आगे चल के उनको ये पॉसिबल ही नहीं है चीज़ आपको इतनी सैलरी देना। हो सकता है आपको 850 मिल जाए, या कंपनी और अच्छा करे या अपनी परसेंटेज बढ़ा दे तो 1080 मिल जाए, लेकिन वो भी अब तो मुश्किल है क्योंकि इस डोमेन में और भी कंपनियां हैं, तो कंपटीशन ऑलरेडी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जितने भी कैलकुलेशन देखी उस हिसाब से मुझे गलती फूड पांडा की लगती है, कि उन्होंने पहले अच्छी सैलरी बोल बोल के बंदे हायर कर लिए और अभी इनको कम सैलरी दे रहे, जितना बोला था उतनी नहीं दे रहे। तो इसमें हो क्या रहा है कि जितने भी फूड पांडा में जो डिलीवरी बॉय है उन्होंने अपनी पिछली वाली जॉब छोड़ के, या जहाँ पे बहुत टाइम से जॉब कर रहे थे वो छोड़ के यहाँ पे आ गए, और अभी इनको सैलरी जितनी बोली थी उतनी नहीं दे रही है। तो इस हिसाब से तो गलती सारी फूड पांडा पे ही आती है। यहाँ पे जितने भी व्यूअर हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप किसके फेवर में, अगर आप डिलीवरी बॉय के फेवर में तो वीडियो को लाइक कीजिए, फूड पांडा के फेवर में तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।